सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन बैक इन माई न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है अपनी ये वाली एक्टिवा पे। अभी काफ़ी देर बाद ये वाली एक्टिवा पे वीडियो बन रही है, तो इसमें बहुत ही एक स्पेशल चीज़ करने जा रहे हैं हम। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं गोल्डन, अब इसको पता लग ही गया होगा ये गोल्डन सायरन है, मतलब गोल्डन ब्रांड है एंड उसका ये सायरन है। एंड मैं पहले आपको सायरन की अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा बॉक्स है, इसमें जस्ट हमें कुछ नहीं, जस्ट सायरन मिलता है। यहाँ पर गोल्डन की ब्रांडिंग दे रखी है एंड मैं आपको सायरन का एक बार दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे हमने एक ओपन कर लिया है एंड इसमें से हमारा ये सायरन बाहर निकल आ गया है, तो ये तो फेंक दो। तो ये हमारी इसमें टू वायर्स हैं, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक पट्टी दे रखी है कि अगर हम कभी बाइक बुक में इंस्टॉल करें तो उसके लिए। तो ऐसे कोई डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसे अपने बाइक में भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो के एंड तक आपको ये सब समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा। तो ये हूटर इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको अपनी होंडा एक्टिवा की तरफ जाना है, जो हम अपने नोज के अगले 4 स्क्रूज खोलते होते हैं, जिसके 1, 2, 3 एंड 4। ये जो 4 स्क्रूज खोलते होते हैं, ये 4 स्क्रूज खोल के हमें अपनी हुड को खोलना है एंड फिर मैं हुड खोल के आपसे बात करूंगा। ये आपको अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए, तो वो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। एक स्क्रू ड्राइवर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मतलब जो फोर हेड वाला होता है। एंड ये जो आप ये देख सकते हैं, हमारा पुलिस सायरन हूटर एंड कुछ इस टाइप का स्विच। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल स्विच है। जब तक आप इसे दबा के देखेंगे तब तक हमारा सर्किट फुल कंप्लीट हो जाएगा एंड तब तक हमारा हूटर बजेगा। जैसे हम इसे रिलीज़ कर देंगे तभी मतलब कि हमारा हूटर बजना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो एक मैं एक टाइप के एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बना रहा हूँ। मतलब मैं भी आपको एक बार वीडियो बना के ही एक बार ये हूटर डाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ इलीगल है बिल्कुल इंडिया में। तो मैं आपको ये नहीं, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं जैसे आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, एक हमको 2 जिप टाइज चाहिए होंगी, इसे हम अंदर जिप टाइज मार देंगे। तो गाइस, अब हम खोलते हैं अपनी होटर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, होटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड मैं पहले जिप टाइज लगाने की सोच रहा था बट वो छोटी पड़ रही थी, तो गाइस मैंने यही लगा दी क्योंकि इसकी पत्ती यहाँ पे छोटी है। एंड इसे और सपोर्ट के लिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। एंड इसकी और सपोर्ट के लिए मैंने इसको डबल साइड टेप दे दी है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से स्टिक कर गया है। एंड जो इसकी पॉजिटिव तार थी, यहाँ पे, और ये मैंने इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये स्विच लगा के। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्विच का मैंने आपको फंक्शन बताया था, जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तब तक ये इसका सर्किट कंप्लीट होएगा। एंड ये मैं लगा चुका हूँ। एंड इसकी जो पॉजिटिव वायर थी वो मैं इग्निशन के नेगेटिव पे इससे मतलब प्लग इन कर चुका हूँ। तो मेरी, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पुरानी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वायर्स हैं, हम इसे कर देंगे हाइड यहाँ पर। तो गाइज, ये तो चलो हो गया एंड अब आपको ये कराते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइज, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा स्विच और जब तक मैं इसे दबा के रखूंगा, तो गाइज आप ये देख सकते हैं, जब तक मैं इसे दबा के रखूंगा तब तक इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है एंड अपना VIP पुलिस सायरन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल में प्लीज़ फिर से आएँ। एंड आपको ये जो आप मेरे चैनल में को जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज़ मतलब जोर की दबा दो यार, तोड़ दो फ़ोन की स्क्रीन पर, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एंड जो उसके साथ जो घंटा है वो प्लीज़ ऐसे ऐसे दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सो गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसी मतलब मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, अपना चैनल ग्रो होता रहेगा। तो गाइज, मैंने इस वीडियो का टारगेट कर रखा है कि इस वीडियोस पे कम से कम 20,000 व्यूज़ मुझे चाहिए, कम से कम मतलब 20,000 व्यूज़ मुझे चाहिए। जो मेरी पिछली LED लाइट की थी वो मतलब इस टाइम एट प्रेजेंट 25,000 क्रॉस कर चुकी है। सो उसी के लिए भाई बहुत ज़्यादा ही थैंक यू, क्योंकि मैं तो भाई हूँ छोटा यूट्यूबर, अगर मेरे लिए ये भी होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज़, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आती रहेंगी, तो गाइज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।